हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे वी विल नो अबाउट चैप्टर नंबर 6, लिटिल क्रिएचर्स आर ऑल्सो हेल्पफुल। इंग्लिश का एक चैप्टर है लिटिल क्रिएचर्स, मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, लाइक आप एनिमल्स या एंट्स या बिल्कुल इंसेक्ट से आप ले लेंगे, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, हमारे काम में हमारी हेल्प कर जाते हैं। तो एक स्टोरी है जो जटा का, मतलब एक ऑर्डनरी पीपल है, उसने मतलब पुराने टाइम में एक पुरानी लीफ जो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पर कुछ देखा था और उसके ऊपर एक कहानी लिखी है, एक स्टोरी लिखी है। और जिस स्टोरी को जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उन लोगों ने रिकॉर्ड किया, मतलब लिखा, और आज हम उसे समझ पा रहे हैं कि क्या है लिटिल क्रिएचर्स, यानी छोटे छोटे क्रिएचर जो जीव होते हैं, जो ईश्वर ने बनाए हैं बिल्कुल, वो हमारे काम में कैसे हेल्प करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सोचने के लिए पता करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस हम इमेजिन करते हैं। तो वी विल स्टार्ट। कैन वी डू ऑल थिंग्स आवर सेल्फ, क्या हम सभी काम खुद कर सकते हैं? तो आप सोचिएगा, क्या दुनिया के हर काम और सभी काम हम खुद ही कर सकते हैं? What are the animals that we take help from our work? क्या हम अपने काम में animals यानी जो जानवर होते हैं उनसे help लेते हैं? ये आपको पता करना है, obviously लेते हैं। Imagine, can we survive without the animal? और हमें imagine करना है कि अगर animals ना हो तो हम कैसे survive करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि animals से भी हमें कई सारे food items मिलते हैं, like milk और ये सब चीज़ें मिलती है, तो हम animals के बिना कैसे survive करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे? तो आप इमेजिन करके देखिएगा। और एनिमल्स का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, उनसे हमें कई सारी चीज़ें मिलती है, लाइक बेल्ट, लेदर, ये सब चीज़ें हमें मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ काइंड एंड जेनरस काइंड किंग रूल्ड ओवर अ किंगडम। एक काइंड और एक जेनरस, दयालु और एक उदार कौन था? किंग, राजा था, जो एक साम्राज्य में, किंगडम में शासन किया करता था। इवन द गॉड्स एंड गॉडेसेस वर ऑल प्रेस ऑफ हिज काइंडनेस। अब जो गॉड और गॉडेसेस, देवी और देवता थे, वो भी उसकी दयालु, जो उसका उदारपन है, जितना वो दयालु है, उसकी प्रशंसा यानी प्रेस, तारीफ किया करते थे। वन डे, एक दिन, अ गॉडेस गेव हिम अ ब्यूटिफुल एंड प्रीशियस जेम एज अ स्पेशल गिफ्ट। अब एक दिन क्या हुआ, जो देवी है, गॉडेस थी, उन्होंने एक सुंदर और एक कीमती जेम, यानी इसको बोल सकते हैं आप बहुत सुंदर सा पत्थर, स्टोन, एक रत्न टाइप से उस किंग को, उस राजा को दिया, स्पेशल गिफ्ट दिया। द किंग वॉज डिलाइटेड विथ हिज गिफ्ट। अब जो राजा था वो उस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश हुआ। ही वॉन्टेड टू पुट इट अराउंड हिज नेक इन अ गोल्ड थ्रेड। और वो क्या चाहता था किंग, कि उस जैम को वो एक गोल्ड थ्रेड, मतलब सोने के एक धागे में डाले और अपनी गर्दन में पहने, उसे अपने गले में पहन सके, सोने के धागे में डाल के उस जैम को। सो ही वेंट फॉर द रॉयल ज्वेलर एंड ऑर्डर हिम टू हैव अ गोल्ड थ्रेड पास थ्रू द स्मॉल होल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द जैम। तो वो एक रॉयल ज्वेलर के पास गया, ठीक, और जो ज्वेलरी बेचते ज्वेलर, उसने ऑर्डर दिया कि एक गोल्ड थ्रेड से इस जैम को दोनों होल से ऐसे पास करो, ताकि अपोजिट साइड से, एक साइड ये और एक साइड ये, उसमें से उस रत्न को ऐसे डालो सोने के धागे से, ताकि मैं उसे अपने गले में पहन पाऊँ। उसने ऐसा ऑर्डर दिया ज्वेलर को, किंग ने। नाउ टर्न द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 32 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द ज्वेलरी वॉज प्लीज्ड, द ज्वेलर वॉज प्लीज्ड एट बींग गिवन सच एन ईजी टास्क। अब ज्वेलर तो काफ़ी खुश हो गया, प्लीज्ड, कि उसे एक ईजी टास्क, एक सरल काम करने को मिल गया। ही पुस्ट द थ्रेड थ्रू वन ऑफ द होल्स। उसने क्या करा कि एक होल से तो वो थ्रेड डाल दिया, एक होल से वो थ्रेड डाल दिया। द थ्रेड वेंट इन साइड द जैम एंड गॉट स्टक। अब जो थ्रेड था वो जैम से निकला, मतलब वो स्टोन से उधर से निकला और वो फंस गया, बीच में स्टक हो गया। द ज्वेलर ट्राइड हिज बेस्ट टू पुल द थ्रेड फ्रॉम द अपोजिट साइड बट कुड नॉट सक्सीड। अब ज्वेलर तो पूरा ट्राई, पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस थ्रेड से, मतलब उस थ्रेड को उसमें डाल सके, जो जैम था उसमें डाल सके, बट वो नहीं कर सका, सफल नहीं हो सका डालने में धागा। सो ही गेव इट टू हिज असिस्टेंट, तो उसने अपने असिस्टेंट को दे दिया। द असिस्टेंट टू फेल्ड एंड ही पास्ड इट ऑन टू
समवन एल्स। अब असिस्टेंट से जो उसका असिस्टेंट था ज्वेलर का, उससे भी ये काम ना हो सका और उसने किसी और को बोला, लेकिन वो भी नहीं कर सका। मेनी पीपल ट्राइड टू पास द थ्रेड थ्रू द जैम बट इन वेन। कई सारे लोगों ने कोशिश करी कि उस जैम से उस धागे को पास कर सके, उस गोल्डन थ्रेड को पास कर सके, ताकि राजा अपने गले में उसको माला बना करके पहन सके, बट कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया। द ज्वेलर कैम बैक टू द किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द प्रॉब्लम। अब ज्वेलर जो है वो किंग यानी राजा के पास वापस आ गया और उसने बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स होने लगी है, ये नहीं कर पा रहे। द किंग वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड एज ही वॉज अनेबल टू यूज़ द जेम। अब जो किंग था वो बहुत निराश हुआ, डिसअपॉइंट हुआ कि इस काम को करने में सब अयोग्य है। सो ही सेंट फॉर अ फेमस वाइस मैन नोन फॉर हिज विट सीकिंग अ सॉल्यूशन। तो उसने उस धागे को और उस जैम को एक वाइस मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो बहुत फेमस था वहाँ का कोई, उसे दिया ताकि वो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सके और वो एक माला बना सके। आप देख पा रहे माला, ये किंग है और ये वाइस मैन होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई नो वन कुड डू इट, द किंग वॉन्डर्ड। अब जो वाइस मैन था उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इसे आप नहीं कर सके, और ये सुनकर के राजा बड़ा ही हैरान हुआ, आश्चर्य में पड़ गया। द टू हॉल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अब जो दोनों हॉल्स थे वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। देयर मस्ट बी अ स्ट्रेट पैसेज फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब बिल्कुल हमें क्या करना था कि उस धागे को बिल्कुल स्ट्रेट सीधे ही रास्ते से सीधे मार्ग से एक से दूसरे होल में, मतलब एक उस रत्न को, उस जेम को, उस धागे में से एक से दूसरे साइड कॉर्नर पे पहुंचाना था, मतलब ऐसे माला क्रिएट हो पाए और उसे राजा पहन सके। बट एवरी टाइम व्हेन द थ्रेड इज पोस्ट इनटू द जैम इट गेट्स स्टक एंड डज नॉट कम आउट फ्रॉम अदर साइड। पर जब भी वो कोशिश करते हैं उस थ्रेड को पुश करने की, उस जैम में से निकालने की, तो वो फंस जाता बीच में और दूसरी साइड तक पहुँच ही नहीं पाता। द वाइस मैन लुक्ड एट द जेम केयरफुली। अब जो वाइस मैन था उसने उस जेम, उस रत्न को ध्यान से देखा। देयर इज़ अ रीज़न वाई द थ्रेड गेट स्टक। इसका कोई रीज़न है कि जो थ्रेड है वो फंस रहा है इसमें। ही सैड, उसने कहा वाइस मैन ने, आफ्टर अ वाइल इट इज़ बिकॉज द पैसेज बिटवीन द टू होल्स ट्विस्ट एंड टर्न इन साइड द जेम। अब जो है जो थ्रेड था उस रास्ते के बीच में, जो धागा था वो उस रास्ते के बीच में कहीं ना कहीं फंस रहा था, टू स्टैंड टर्न, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे वो उस लास्ट कॉर्नर तक, सेकेंड कॉर्नर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था वो थ्रेड। इट इज़ नॉट एज स्ट्रेट एज यू थिंक, ये बिल्कुल, और वाइस मैन ने कहा कि जैसा आप सोच रहे हो ये बिल्कुल वैसा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है कि आप यहाँ से धागा निकालेंगे और पहुँच जाएगा। इट इज़ सो, सेड द किंग। तो इफ़ यू कैन फाइंड मी समवन हु कैन डू द जॉब आई विल रिवॉर्ड हिम। तो राजा ने कहा यदि कोई इस काम को कर पाएगा तो मैं उसे इस काम के लिए एक रिवॉर्ड है, तोहफा दूंगा, गिफ्ट दूंगा, उपहार दूंगा। द वाइस मैन स्माइल्ड। अब जो वाइस मैन था वो स्माइल किया था, कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। योर मैजेस्टी, ही सैड, यू हैव फेल्ड टू फाइंड अ मैन हु कैन डू दिस जॉब बिकॉज यू थिंक दैट ओनली अ ह्यूमन बींग कैन डू इट। अब उसने बोला वाइस मैन ने कि आप उस व्यक्ति को ढूंढने में असमर्थ होंगे, फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे जो इस काम को कर सकता है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि हर काम को एक ह्यूमन बींग, कोई इंसान ही कर सकता है, कोई मनुष्य ही कर सकता है। देयर आर अदर क्रिएचर्स दैट कैन ईजिली डू इट फॉर यू। और कई सारे ऐसे क्रिएचर्स है, छोटे छोटे ऐसे क्रिएचर्स है, अलग जीव है, एनिमल्स बोल सकते हैं आप, एंट्स बोल सकते हैं, मतलब इंसेक्ट्स बोल सकते हैं, जो इस काम को आपके लिए ईजिली कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। देन फाइंड दैम एंड लेट दैम डू इट, आई विल रिवॉर्ड दैम एज वेल, सेड द किंग। और किंग ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो तो आप पता करें, मैं उन्हें रिवॉर्ड दूंगा जो भी ये करेगा। द वाइस मैन लाफ्ड। अ वाइस मैन हंसा। मनी डज नॉट मैटर टू देम। हर काम में पैसा ही, मतलब मायने नहीं रखता, मैटर नहीं करता पैसा, कि आप हर काम पैसे से करवा सकते हैं। सेइंग सो, उसने ऐसा कहा वाइस मैन ने। द वाइस मैन लेफ्ट द रूम। जैसे वाइस मैन ने अपना रूम छोड़ा, सून ही रिटर्न्ड विद अ जार ऑफ हनी। और वो जल्द ही कहाँ गया, जो शहद का जो जार रखा हुआ था उसके पास गया, लौटा लौट कर।
ही बिगेन हिज जॉब वाइल द किंग वॉज हिम क्यूरियसली जैसे उसने अपना काम स्टार्ट किया था, जो किंग था वो बिल्कुल क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से उस काम को देख रहा था कि कैसे करता है, जो कोई भी नहीं कर पाया इस काम को. द वाइस मैन स्प्रेड सम हनी ओवर बोथ द होल्स ऑफ द जेम. अब जो वाइस मैन था उसने क्या किया, जो हनी था वो उस जेम के साइड मतलब स्प्रेड कर दिया, फैला दिया. देन ही स्प्रेड मोर हनी ऑन वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड पुश्ड इट इनटू वन ऑफ द होल्स. अब उसने क्या करा, जो हनी था वो एक एक सिरे पर मतलब जो एक साइड था वहाँ पर फैला दिया थ्रेड के, एंड पुश्ड इट इनटू वन ऑफ द होल, और दूसरे होल के साइड उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था. फाइनली आखिरी में ही प्लेस द जैम इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. उसने क्या करा, जो जैम था उसे अपने रूम के कॉर्नर पर रख दिया, प्लेस कर दिया. वेयर देयर वर मेनी आंट्स, जहाँ पर बहुत सारी क्या थी, आंट्स यानी चींटियाँ थी. देन बोथ द किंग एंड द वाइस मैन सो द आंट्स वर्किंग. फिर राजा और वाइस मैन दोनों ने देखा कि जो आंट्स जो चींटियाँ थी वो कैसे काम कर रही थी. टेम्प्टेड बाय द हनी द आंट्स बिगेन टू क्रॉल ऑल ओवर द जैम. अब जो आंट्स थी, हनी तो फैला ही हुआ था हर जगह पर, उन्होंने उस एरिया में हनी यानी शहद को फैला दिया था. जो आंट्स थी उसने क्या करा, क्रॉल मतलब धीरे धीरे जाते जाते वो जैम के साइड पहुंच गई. दे डिस्कवर्ड द होल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द जैम एंड क्रॉल्ड इनटू इट. उसने क्या, वो चींटियों ने क्या करा कि जो थ्रेड का अपोजिट साइड था वहाँ तक आंट्स जा कर के उस जैम तक पहुंच गई और उस धागे को वहां तक पहुंचाने में हेल्प कर दी, सेकंड कॉर्नर तक जहां पर सभी लोग पहुंचाना चाह रहे थे. एज दे मूव्ड मोर इनटू द टाइनी पैसेज इनसाइड द जैम. अब जो छोटी छोटी चींटियां थी उन्होंने उस दूसरे रास्ते तक जैम मतलब उस थ्रेड को पहुंचा दिया, जैम तक, जैम को उस धागे को जैम में से पहुंचा दिया इजीली. दे रीच द प्लेस वेयर द गोल्ड थ्रेड गॉट स्टक, जहां पर वो जो गोल्ड थ्रेड स्टक हो रहा था, फंस रहा था. They pulled the thread along till it came out at the other end. अब जो थ्रेड था जिसको हम बार बार पुल कर रहे थे वो से अदर हैंड एंड तक मतलब दूसरे छोर तक पहुँच चुका था. The king was overjoyed, जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था. At last he could put the gem around his neck. और आखिरी में वो अपनी जो रत्न जो जेम वाला जो धागा था जिसको माला बना करके वो अपनी नेक में पहनना चाहता था वो पहन सका. आई सिंसियरली थैंक यू ही सेड टू द वाइस मैन. और राजा ने क्या करा, जो किंग था वो उसने बिल्कुल वाइस मैन को थैंक यू कहा. बट द वाइस मैन रिप्लाइड, वाइस मैन ने क्या जवाब दिया, यू शुड थैंक दोस लिटिल आंट्स, आपको उन छोटी छोटी चींटियों को धन्यवाद देना चाहिए. दे आर द वंस Who did the job, जिन्होंने इस काम को किया. Always remember, हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों कि it is not only human being who have the ability to do everything. केवल मनुष्य ही नहीं होते, केवल human being ही नहीं होते जो हर काम को करने की ability रखते हो, क्षमता रखते हो. All living creatures, however big or small, also have capabilities of working. It is the intelligence of the man to get the job done through such creatures. जो क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि अभी आंट भी एक क्रिएचर है, एक संरचना है ईश्वर की, चाहे वो बिग क्रिएचर हो चाहे वो स्मॉल क्रिएचर हो, वो भी हर काम को, किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं. तो हमें उन चीज़ों को भी, उन क्रिएचर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और खुद के ऊपर इतना ज़्यादा हमें प्राइड नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हर काम हम पैसे से ही करवा सकते हैं. तो ये उस वाइस मैन की इंटेलिजेंसी थी, उसने दिमाग लगाया वाइस मैन ने और उन क्रिएचर्स जो छोटी छोटी आंट्स थी उनसे काम लिया और वो माला मतलब वो जो जैम था रत्न की माला बनाकर राजा को दे पाया. तो हमें समझना है स्टोरी के थ्रू कि हमें हर काम इंसान ही नहीं कर सकता, हमें जो छोटे छोटे क्रिएचर्स जो गॉड ने बनाए हैं वो भी हमारे हर काम में हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे कामों में हेल्प कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा और समझा. होपफुली कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच.